सब्सक्राइब करें ZITV चैनल को और बेल आइकन को दबा दें नई वीडियोस हर दिन हासिल करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, एक मरतबा फिर आपका इस्तकबाल है ZITV यूट्यूब चैनल के एपिसोड टेक टिप्स में। नाज़रीन, इस एपिसोड में हम आपको बतलाते हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारे ही टिप्स एंड ट्रिक्स। नाज़रीन, अगर आपने हमारा पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर जाएं और अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़ें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टिप्स। ZITV तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे फॉर्मेट फैक्ट्री, एक बहुत ही मुफीद सॉफ्टवेयर है। अगर आप PC लैपटॉप यूज़ करते हैं तो इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। आपको वीडियो और ऑडियो कन्वर्टिंग के लिए ये सॉफ्टवेयर बहुत काम आएगा। देखें, यहाँ ये आइकन है, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से बआसानी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन चलें, इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसका यूज़ कैसे करते हैं, पहले इसको जान लेते हैं। तो चलिए हम ओपन करते हैं ये सॉफ्टवेयर। ये आइकन आप देख पा रहे होंगे, तो इस पर हमने डबल क्लिक किया और ये ओपन हो रहा है। इसके जो फीचर हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। अगर आप लैपटॉप यूज़ करते हैं तो ये आपको रखना ही चाहिए और वक्तन फवक्तन ये आपके काम आएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे फीचर हैं। चलिए इसको फुल मोड कर लेते हैं। और यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ऑल डिवाइस, यहाँ आप देखिए MP4 में किसी वीडियो को कन्वर्ट करना चाहते हैं, AVI में, 3GP में, तो वीडियोस के जितने भी फॉर्मेट्स होते हैं वो तकरीबन सब इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ जब आप क्लिक करेंगे वीडियो पर तो ये वीडियो का ऑप्शन आएगा, और नीचे आप देखें यहाँ ऑडियो पर आप क्लिक करेंगे तो फिर ऑडियो का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ MP3 का, फिर उसके बाद जो है जितने भी इसके जो है फॉर्मेट्स होते हैं वो सभी का आ जाएगा। उसके बाद नीचे और देखें, यहाँ एक है पिक्चर का, तो यहाँ भी आप कोई भी पिक्चर है, JPG है, इसको PNG में करना चाहते हैं, PNG है, इसको JPG में करना चाहते हैं, तो इस तरह से आप यहाँ इसको चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ कुछ और भी दिए हुए हैं। बहरहाल, तो ये तीन ऑप्शन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ये तीन चीज़ें हैं जहाँ आप जो है ऑडियो, वीडियो, पिक्चर इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये कैसे करते हैं, तो सबसे पहले इसके लिए हम जो है, अगर वीडियो हमको करनी है तो यहाँ वीडियो पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद जैसे MP4 में हमको कन्वर्ट करनी है, या AVI में, या 3GP में, पहले इसको हमें सेलेक्ट करना है कि किस में हमको किस वीडियो को करना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें 3GP में, MP4 को 3GP में हमें कन्वर्ट करना है, तो यहाँ से हम 3GP पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ एक ऑप्शन आएगा, यहाँ देखें आप एड फाइल, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से वो हमें वीडियो सेलेक्ट करनी है जिसको हम 3GP में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ कुछ चीज़ें हमारे पास हैं, जो छोटी सी वीडियो है, तो ये देखें, ये जो है हमारे पास MP4 में है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे MP4 लिखा हुआ आ रहा है, 1.85 MB की है और छोटी सी ये फाइल है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे 3GP में। तो यहाँ सेलेक्ट हमने कर लिया है, ओपन पे क्लिक करेंगे, ओपन हो गया। ओपन करने के बाद यहाँ इसको ओके करने आप, ओके करने के बाद देखें ये इस तरह से कुछ आएगा जब आपका ये सेलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ आप देखें, ये जो है फाइल मेरी, ये 3GP में कन्वर्ट होके यहाँ जाएगी सी यूज़र ZI म्यूज़िक वाट, इसमें जो है म्यूज़िक वाले फाइल में, ये हमने इसको सेलेक्ट किया हुआ, यहाँ ये 3GP में कन्वर्ट होकर के चली जाएगी। तो अब इसको करना क्या है, यहाँ आप देखें एक ऑप्शन है स्टार्ट का, सिंपल आप इस पर क्लिक कर दें तो ये देखें ये स्टार्ट हो गया है। अब ये धीरे धीरे देखें कन्वर्ट होना शुरू हो गया, 7, 11%, 14%, 18%, इस तरह से ये कन्वर्ट हो जाएगा, और आपने जहाँ भी इसको सेलेक्ट किया हुआ है इसका आउटपुट फाइल, तो वहाँ ये चला जाएगा। तो हमने इसका आउटपुट फाइल यहाँ सेलेक्ट किया हुआ है, तो आप कोई भी बआसानी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ जा कर के नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ जा कर के आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने नहीं करना है तो यहाँ पॉज का भी ऑप्शन है, यहाँ इसको क्लिक कर सकते हैं, तो देखें ये रुक गया, और यहाँ स्टॉप भी कर सकते हैं, और इसको स्टार्ट कर दें तो फिर यहीं से रिज्यूम भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो रहा है, तो इसको हम होने देते हैं और उसके बाद आपको दिखलाते हैं ये किस तरह से बआसानी हो जाती है कि कॉम्प्लीट हो गया है। यहाँ सिंगल भी उसने दे दिया है, और यहाँ देखिए दो ऑप्शन हैं, एक है कि आफ्टर कन्वर्टिंग शुट डाउन कंप्यूटर, अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये जो है जैसे ही कन्वर्ट हो जाएगा तो ये जो है कंप्यूटर आपका शुट डाउन हो जाएगा, यानी बंद हो जाएगा। तो फाइनली हम चलते हैं अपने लैपटॉप में और आपको दिखाते हैं वो फाइल कहाँ है। तो PC हमने ओपन किया
और म्यूज़िक में हमने उसको सेलेक्ट किया हुआ है। हम सीधा आएंगे म्यूज़िक वाले ऑप्शन पर और यहाँ आपको ये देखें म्यूज़िक है, इसमें ही हमने उसको सेलेक्ट किया हुआ है। तो देखें यहाँ यही फाइल है, व्हाट इज़ दिस यूट्यूब। तो इस पे हमने देखें यहाँ ये जो है कन्वर्ट होके आ चुकी है 3GP में, ये MP4 फाइल थी और 3GP में कन्वर्ट होके आ चुकी है। तो इसको आप इस तरह से बआसानी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से सारी यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, सारे ऑडियोज़ के लिए भी, पिक्चर्स के लिए भी, और एडवांस टूल्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप प्लीज़ हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें।